Okay, students, very good morning. Let us start today's topic. We were on water management. ठीक है, water management के हमने कुछ steps start करें. अब सबने videos बंद कर दे हैं. Not even single minute has passed और आपके videos बंद हैं. चलिए, water management में हमने करा किस तरह से water को हम save कर सकते हैं, conserve कर सकते हैं. तो first step हमने करा rain water harvesting. रेन वाटर हार्वेस्टिंग. देन उसके बाद हमने करा रिवाइवल ऑफ बावरीज. देन वी डिड रीयूज ऑफ वाटर. देन वी डिड प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ वाटर. आज का हमारा टॉपिक, उसके बाद हमने करा ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन का कल आपको वीडियो भी दिखाया मैंने, किस तरह से होती है ड्रिप इरिगेशन और किस तरह से हम उसका मॉडल बना सकते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग. डैम्स क्या होते हैं? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट आर डैम्स? कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, व्हाट आर डैम्स? कैन एनीबडी टेल व्हाट आर डैम्स? यस भव्या. यस मैम, ये वो चीजें होती है मैम जो पानी की ओवरफ्लो कंट्रोल करते हैं. क्या मैम? मैम डैम्स कंट्रोल द ओवरफ्लो ऑफ द वाटर. कैसे मैम? जब पानी मैम जब फ्लो ज्यादा आता है तो मैम ये डैम्स के मैम यूज से फिर मैम कंट्रोल हो जाता है. क्या पता है कैसे कंट्रोल हो जाता है भव्या? लिसन एवरीबॉडी, रिवर्स के ऊपर एक आर्टिफिशियल वॉल बनाई जाती है जिससे वाटर के फ्लो को रोक लिया जाता है. ठीक है, उससे क्या होता है, उस वॉल के पीछे एक रिजर्वॉयर बन जाता है पानी का. इस पानी को यहां से, अब ये स्टोर हो गया, रिजर्वॉयर हो गया पानी, इससे क्या हुआ, इस पानी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, लाइक फॉर इरिगेशन, लाइक फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. गॉट इट? और उसके बाद जो पानी अब ओवरफ्लो होके बहना था, अब वो पानी हमारे पास स्टोर हो गया है और हम उसको दूसरे पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं. फॉर दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इज डन, राइट? अब जैसे रेन वाटर है या रिवर वाटर है, सपोज रेन आ गई, आपकी रिवर भर गई, ओवरफ्लो हो गई. ओवरफ्लो होके क्या होना है, इसने अपने जो ब्रिज मतलब क्या कह सकते हो आप उसको, किनारों को क्या बोलते हैं, एम्बैंकमेंट्स. एम्बैंकमेंट्स को तोड़ के ये पानी बाहर आ जाता है एंड कॉजिंग फ्लडिंग एंड रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल. गॉट इट? साथ के साथ पानी वेस्ट हो गया. बट अगर हम उस रिवर पे डैम बिल्ट कर दें तो व्हाट हैपन, दैट डैम, दैट आर्टिफिशियल वॉल, इट विल प्रिवेंट द कमिंग ऑफ वाटर. और उस तरफ, पिछली तरफ वॉल के पिछली तरफ जहां से पानी आ रहा है, वहां पे एक रिजर्वॉयर बन गया पानी का, एक बड़ा तालाब बन गया पानी का, एक टैंक बन गया जहां पे पानी स्टोर है. वहां से हम पाइप्स के थ्रू ये पानी पहुंचा सकते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी और फॉर इरिगेशन और फॉर अदर पर्पसेस. इस तरह हमारी ओवरफ्लोइंग रुक गई, फ्लडिंग रुक गई, सॉइल इरोजन का रिमूवल रुक गया. प्लस इसके साथ साथ हमारे काम क्या हुए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, इरिगेशन हुई. बट इट, दिस इज द रोल ऑफ डैम्स. सो दे शुड बी बिल्ट टू कंजर्व वाटर, राइट? तो बच्चा एक इसी तरह की उसने एग्जांपल दी है कि मध्य प्रदेश में 1000 ऑफ चेक डैम्स लगाए गए जबुआ में. तो इससे क्या हुआ, चेक डैम्स जो बने, यहां से पानी जो है फील्ड्स में गया, जिससे 40% फूड प्रोडक्शन इंक्रीज की गई. ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा कि गुजरात में एक एनजीओ है सौराष्ट्र लोक मंच ऑफ ड्रॉट, उन्होंने क्या किया, उस एरिया में ड्रॉट आ गया, उन्होंने रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू कर दी, जिससे क्या हुआ, अब पानी की कमी खत्म हो चुकी है वहां पे. ठीक है, वेल्स अब सूखते नहीं है. नाउ एक और उसने एग्जांपल दी हुई है, कुछ सोशल वर्कर्स ने अलवर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में,
ग्रीनरी कर दी, उसको ग्रीन प्लेस बना दिया, उस क्या हुआ, उससे क्या हुआ, अरवेरी रूपारे सरसा भगानी एंड जजा वाली, वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर्स लगा दिए और वाटर को सेव कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ये कुछ केस स्टडीज थी, क्लियर। अब वो कहता है नाउ यू विल आंसर मी, अगर हम वाटर पोल्यूशन को रोक दें, इफ वी स्टॉप द वाटर पोल्यूशन कैन वी सेव वाटर, यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, टेल मी, अगर हम वाटर पोल्यूशन को रोक दें तो क्या हम वाटर सेव कर सकते हैं, हाउ? नो रिस्पॉन्स, यस रिशिता आंसर दो मुझे, यस कैसे, हाउ कैन वी सेव, आंसर मी, यस तो ठीक है मुझे पता है हम कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट द रीजन, यस हर्षिया बोलिए बेटा। मैम यस बिकॉज मैम जो वाटर पोल्यूट होता है क्योंकि हम उसमें वेस्ट डालते हैं या वैसे गंदा होता है जो हम फेंकते हैं, तो मैम अगर हम लोग नहीं फेंकेंगे ऐसे हम फेंक देंगे तो मैम वो यूज में नहीं आएगा वो, मतलब गंदा वाटर अगर अच्छा। हम नहीं फेंकेंगे तो ओके, और कुछ और कुछ, हाँ जी कनिष्क आप बताइए। हम जो वेस्ट होगा मैम उसको रिसाइकल करके उसके साथ कोई भी मटेरियल बना सकते हैं, जैसे टब कोई भी यूटेंसिल बना सकते हैं प्लास्टिक का, और जो हमारा वाटर भी सेव रहेगा उसे। अच्छा कैसे, मैं वही तो पूछ रही हूँ, हमने कहा कि अगर हम वाटर पोल्यूशन को रोक दें, हमने रोक दिया, हमने उसको प्लास्टिक बना दिया, प्लास्टिक का कुछ भी बना दिया, वॉट एवर यू आर सेइंग, रिसाइकलिंग कर दी हमने, तो पानी को कैसे सेव कर सकते हैं, वो रिस्पॉन्स हम उसको भी, यस संचित, हाँ जी संचित बोलिए बेटा, हरिया आंसर माय क्वेश्चन, ओके रिशिता यू आंसर, हरिया प्रशिता, यस मैम जैसे मैम जैसे हम वाटर बॉडीज में वो गार्बेज वगैरह फेंकते हैं तो अगर हम उसको नहीं फेंकेंगे तो हम वही वाले वाटर बॉडी को फिल्टर मतलब वही जो वाटर बॉडीज में वाटर है उसको फिल्टर करके यूज कर सकते हैं। ठीक है राइट, वन ऑफ द पॉइंट्स राइट, और कोई कुछ और कुछ सजेस्ट करना चाहता है, कोई कुछ और सजेस्ट करना चाहता हो? वेरी राइट रिशिता वॉज राइट, अगर हम वाटर को पल्यूट होने से बचा लें, क्या पल्यूट कैसे होता है पहले तो ये सोचिए, सिर्फ सबको ये याद आ रहा है गार्बेज हम थ्रो करते हैं, ठीक है, हम इंडस्ट्रियल वेस्ट भी थ्रो करते हैं जिसमें केमिकल्स हैं, अगर हम ये इंडस्ट्रियल वेस्ट थ्रो करना बंद कर दें तो बहुत सारा वाटर ट्रीट किया जा सकता है ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा के, ठीक है, उसके बाद उसको फिर यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो दिस शुड बी डन, ओके। उसके अलावा उसने कहा है कि अगर इन केस पानी की कमी हो जाए, वाटर स्केर्सिटी हो जाए, तो क्या इफेक्ट होंगे उसके, क्या हो सकता है अगर पानी की कमी हो, इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्केर्सिटी, क्या होगा अगर पानी की कमी हो जाए? नंबर वन, अगर पानी की कमी होगी फूड अवेलेबल नहीं होगा, खेतों में पानी नहीं जाएगा, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड विल बी देयर, राइट। नाउ हम सबको पता है, नो प्रॉब्लम संचित, हम सबको पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, उसके पास जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, अगर अंडरग्राउंड वाटर नहीं होगा देन
प्लांट विल नॉट डू फोटोसिंथेसिस, और इस फोटोसिंथेसिस का रिजल्ट होता है ऑक्सीजन। अगर सबसे पहले तो वाटर नहीं होगा तो प्लांट विल डाई, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, उसको फूड नहीं मिलेगा। चलो हमने कह भी दिया कि थोड़ा बहुत फूड बन गया है, इट विल नॉट बी एबल टू रिलीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमको, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा, अल्टीमेटली वी ऑल विल बी डाइंग। नंबर थ्री इसी के साथ रिलेटेड है, अगर पानी नहीं होगा, प्लांट्स विल नॉट बी देयर, ट्रीज विल नॉट बी देयर, ट्रीज प्लांट्स दे ऑल नीड वाटर, स्मॉल सीड्स फॉर जर्मिनेशन दे नीड वाटर, इफ देयर विल बी नो वाटर प्लांट्स विल नॉट ग्रो, एंड इफ प्लांट्स विल नॉट ग्रो रेनफॉल विल नॉट बी देयर, rainfall will not be there, so again there will be less of water. Got it? Now students, with this we have finished our chapter, lesson 16, last chapter, right? ab aap mujhe ek likh ke dikhaiye, chhota sa topic hai, what role you can play in conserving water, आप अपने लेवल पे क्या रोल प्ले कर सकते हो पानी को बचाने के लिए, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, राइट इट डाउन, देन यू विल अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू विल आंसर, हरी अप, राइट 10 वेज हाउ यू कैन कंजर्व वाटर ऑन योर ओन, आप क्या करोगे जिससे पानी की बचत हो जाए। हमने लोगों से कुछ नहीं करवाना, हमने फैक्ट्री वालों को कुछ नहीं कहना कि तुम ये करो तुम वो करो, हम क्या करेंगे, कनिष्क हैज रेज्ड द हैंड, यस बोलिए। मैम वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स व्हाइल वी आर ब्रशिंग, सेकंड पॉइंट रिड्यूस द, फर्स्ट पॉइंट वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स व्हाइल ब्रशिंग, ये हम सब करते हैं जब हम ब्रश कर रहे हैं, टैप ऑन रहती है, कभी भी आप आजमा के देखना, बहुत कम लोग हैं जो टैप ऑफ करके ब्रश करते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप शुरू होता है हमसे, किसी को कहने से पहले हमें खुद को ये देखना है कि हमने क्या किया है, जब भी हम ब्रश कर रहे हैं टैप को बंद कर दो, जब जरूरत है तभी ऑन करो, यस कनिष्क, नेक्स्ट, रिड्यूस द ओवरफ्लो ऑफ वाटर, कैसे, शावर से, यस लाइक शावर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग शावर्स यू कैन यूज बकेट एंड मग फॉर बेदिंग, ठीक है, क्लियर है, मॉप द फ्लोर इंस्टेंट ऑफ वॉशिंग, हाँ जी मैम, मॉप द फ्लोर इंस्टेंट ऑफ वॉशिंग, यस, हर रोज बेड़े को धोने से अच्छा है उससे झाड़ू और पोछा लगाओ, उसमें कम वाटर यूज होता है, ठीक है, मॉप द फ्लोर instead of washing baby, yes Prerna, right, take the water coming out of AC and then clean the floor, right Rishita, any other point iske ilawa kuch socha, yes ma'am, close the taps properly and fix the leakage in pipes and taps, fix the leakages if there are any, in case of pipes or taps, अगर टैप भी खराब है उसमें से भी लीकेज हो रही है तो उसको भी फिक्स करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदर पॉइंट, हां जी राइट प्रेरणा, हां जी रिशिता, कोई और पॉइंट नहीं आया, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, आप लोग जब स्कूल आते हो वाटर बॉटल्स लेके आते हो, जब घर जाते हो आप, अगर उस वाटर बॉटल में पानी बचा है तो आप क्या करते हो उस पानी का, यू थ्रो दैट वाटर अवे एंड नेक्स्ट डे यू फिल द बॉटल अगेन विथ क्लीन वाटर, वाई टू थ्रो दैट वाटर, यू कैन यूज दैट वाटर फॉर क्लीनिंग समथिंग लाइक योर कार, वॉशिंग योर साइकिल, वॉशिंग योर बाइक, yes Nishche, we can give that water to plants, yes Mani, we have to use less water to wash our cars, you know government has imposed fine on washing cars using pipes,
हम लोग जो पाइप लगा के कार्स को धोते हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट ने फाइन किया हुआ है. इंस्टेड ऑफ दैट यूज बकेट एंड क्लोथ. इवन गवर्नमेंट तो कहती है कि आपको रोज कार धोने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. यस, यूज लेस फ्लो ऑफ टैप्स, चेक द वाटर पाइप एंड टैप्स देन एवर रिक्वायर्ड एंड इमीडिएटली फिक्स इट. वेरी गुड. एनी अदर पॉइंट? एक और बड़ी अच्छी चीज कही हुई है उसने. आपके घरों की साइड्स पे थोड़ी थोड़ी मिट्टी होती है, स्ट्रीट के कॉर्नर्स पे, हम वहां पे पानी डाल देते हैं. ठीक है. इंस्टेड ऑफ दैट ब्रूम दैट एरिया सो दैट वी कैन रिमूव द डेब्रिस और एनी अदर काइंड ऑफ फॉलन लीव्स और समथिंग. राइट, क्लियर है. और इसके अलावा एक बच्चे ने अभी मुझे मैसेज किया था, आई फॉरगेट क्या मैसेज था. यस, वी कैन कलेक्ट रेन वाटर इन ड्रम्स एंड यूज इट. तभी तो हमने कहा ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो. सीधी सी बात है, अपने घर में किट लगवाओ रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाली. यस, वाटर जो फिल्टर से रिमूव हुआ है उसको हम बर्तन और फ्रूट्स वेजिटेबल्स धोने के काम ला सकते हैं. ठीक है. रेन वाटर तो अपने आप प्लांट्स बेटा भव्या यूज हो जाएंगे, वॉशिंग यूटेंसिल्स. राइट कनिष्क, एनी पॉइंट, एनीथिंग एल्स? कनिष्क नो. चलिए, वी हैव इनफ नंबर ऑफ पॉइंट्स. राइट, डोंट लेट टैप रनिंग व्हाइल वॉशिंग वेजिटेबल्स. अगर आपको वेजिटेबल्स धोनी है, टैप रन करके खुद घूमने नहीं चले जाना, उसको किसी बकेट या बोल में डाल के धोना है. राइट, इनफ ऑफ द पॉइंट्स. सो आई होप एवरीबडी विल ट्राई टू कंजर्व सम वॉटर. आपको पता है ये, हाँ ठीक है बानी, आपको पता है ये एक पंजाब में, एक जनरल पॉलिटिक्स की बात करती हूँ, एक बहुत बड़ा एक मामला उठा हुआ है क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं. उसमें क्या है, पंजाब में जो अंडरग्राउंड वाटर है वो सिर्फ 15 साल का रह गया है, ओनली ऑफ 15 ईयर्स. इफ दैट वाटर विल बी फिनिश्ड फ्रॉम वेयर द फार्मर्स विल, हाउ द फार्मर्स विल इरीगेट दियर फील्ड्स. This is the main problem coming in Punjab, right? क्योंकि ज्यादातर हम लोग आगे जो हमारी खेती हुआ करती थी that was dependent on monsoons. But nowadays, due to some advancement in science, due to more awareness, हमारे farmers ने tubewells, motors, pumps लगा लिए हैं जिससे वो underground water use करते हैं. They are no more dependent on rains. अब वो rain पे depend नहीं है. Got it? So, इतना हम पानी यूज कर चुके हैं कि अब क्या है, what is going on now? 15 साल का पानी रह गया. उसके बाद what we have to do? We don't know. ठीक है, just think on it. क्या है ये and how you can conserve water. हाँ जी, let us move to back exercises. We will be able to finish this chapter today, tomorrow. And with that, our syllabus will also be finished. Okay, before doing the back exercise, let us draw water cycle. Water cycle draw कर लो. ये फिर questions कल start कर लेंगे, okay? हाँ जी. कैसे draw करना है water cycle? मैंने शायद आपको करवाया भी था. This is land. This is sea. ठीक है? यही सीन था. हेयर वी ड्रू सम माउंटेन्स. लैंड से अब पानी ऊपर जाता है, फ्रॉम ट्रीज एंड प्लांट्स, फ्रॉम एनिमल्स. ठीक है, ट्रीज से कैसे जाता है, ट्रांसपीरेशन होती है. एनिमल्स से कैसे जाता है, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ गए. ठीक है, ये वाटर लॉस जो हुआ, दिस वाटर लॉस इज इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. ये वाटर वेपर की फॉर्म में हुआ. और सी में से पानी कैसे ऊपर जाता है, इवेपोरेशन से. ठीक है, गॉट इट.
इज दिस क्लियर टू ऑल? तीन प्रोसेसेस हमने लिख दिए राइट. ये सी में से पानी गया, ये ट्रीज एनिमल्स में से पानी गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. फ्रॉम हेयर द वॉटर विल राइज अप एंड इट विल फॉर्म अ क्लाउड. प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. यहां से आई रेन. दिस इज लाइट. दिस इज रेन. ये रेन है ठीक है. इधर भी आई एंड इधर भी आई ठीक है. क्लियर है. अब रेन जो आई जो लैंड पे आई इसमें क्या होगी? सीपेज. सीपेज क्या होती है? सीपेज या आप इनफिल्ट्रेशन बोल दो, इसको बोल दो इनफिल्ट्रेशन. सीपेज ऑफ वाटर इन द सॉइल. इनफिल्ट्रेशन यहां पे लिख दो. सीपेज होती है लैंड में ठीक है. और यहां से रेन वाटर सारा सी में आ गया. गॉट इट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है? इस प्रोसेस को रेन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेनिंग इज प्रेसिपिटेशन. प्रोसेसेस के नाम लिख लो. प्रेसिपिटेशन. दिस इज वॉटर साइकिल. गॉट इट? ड्रॉ इट एवरीबडी. हरी अप. हाँ जी हाँ जी सात्विक. आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स. नो प्रॉब्लम. What is written after trees? Animals is written. Hurry up, draw it. यहां से आप सरफेस रन ऑफ भी दिखा सकते हैं. लैंड से वाटर इधर गया. सरफेस रन ऑफ ठीक है. यस. ये ट्रीज एनिमल्स और सी हमने दिखाया. ट्रीज से ट्रांसपिरेशन हुई, एनिमल से रेस्पिरेशन, सी से इवेपोरेशन. गॉट इट? सारा वाटर वेपर की फॉर्म में गया एंड इट विल फॉर्म अ क्लाउड कंडेंसेशन के प्रोसेस से. देन आफ्टर दैट रेन विल बी देयर. क्या प्रोसेस होता है? प्रेसिपिटेशन. एक तो रेन आएगी लैंड पे, दैट इज इट विल गो इनसाइड द सॉइल बाय सीपेज. प्रोसेस इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन. और दूसरा रेन सीधी सी में जाएगी. और तीसरा सरफेस रन ऑफ भी होगा. मीन्स कुछ लैंड का पानी जो है रन ऑफ से सी पे भी आएगा. गॉट इट? इज दिस क्लियर? एनी डाउट? बना लो बेटा. हरी अप. हरी अप एवरीबॉडी. यस done. Let others do. Hurry up students. This you have to draw in your fair notebooks also. Got it? If there is any doubt you can ask me right now. Few minutes are left. Now we'll be taking the doubts, otherwise we'll be starting the questions. Shall I start with discussion of question answers? Ready? All of you have done? Okay.
Open your books, everybody. Yes, NCERTs. Okay, let us start. You will have to tell true or false. Raise the hands. The fresh water stored in the ground is much more than that present in the rivers and lakes of the world. Yes, Ayushi. Yes, Ayushi. Yes, Ayushi. Yes, ma'am. Ma'am, true. True. Very good. Next, water shortage is a problem faced only by people living in rural areas. Yes. Anybody else? Only two students know the answer. Yes, Kirat Pal. Hanji beta. Ma'am, false. Water shortage is a problem faced only by people living in rural areas. क्या सिर्फ रूरल एरियाज के लोगों को वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है? मैम फॉल्स. हाँ जी मैम फॉल्स. फॉल्स राइट. वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय अर्बन पीपल आल्सो राइट. वाटर फ्रॉम रिवर्स इज द ओनली सोर्स फॉर इरिगेशन इन द फील्ड्स. यस भावेश. भावेश मैम फॉल्स. फॉल्स वेरी गुड. इरिगेशन के और भी बहुत सोर्सेज हैं, नॉट ओनली द रिवर्स. रेन वाटर इज वन ऑफ द सोर्स. ग्राउंड वाटर इज वन ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स. गॉट इट. रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. एनीबडी एल्स? रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर. यस आयुषी. मैम फॉल्स. False. Are you sure? Think about it. Ultimate source क्या है water का? Yes, Suhana. Ma'am, it is true. It is true. ठीक है. Ultimately हमें पानी जो ground water में भी आ रहा है वो कहां से आ रहा है? Rain से आ रहा है. ठीक है. Right. True is the answer. Next question. Explain how ground water is recharged. Recharge कैसे होता है? हमने water cycle में भी draw किया है. Ground water जो है कैसे, अगर आप use कर लेते हो, how will it be recharged? Otherwise it will be finished. हाँ जी. More hands I want to be raised. Only two students know the answer. Yes, Rishita. Yes, ma'am. The groundwater gets recharged through the process of infiltration. Infiltration means seeping of water from rivers and lakes into the empty spaces and cracks deep below the ground. Yes, right. Not only from the rivers. Infiltration, seepage of water जो होती है, वो rain water से भी होती है. ठीक है? What is infiltration? It is seepage of water into the soil, in the soil particles, in between the soil particles through rain or other sources also. Okay. Then coming to next. Yes. There are 10 tubewells in a lane of 50 houses. Ek lane hai. There are 50 houses and 10 tubewells are there. What could be the long-term impact on the water table? अगर एक ट्यूब एक लेन में 10 ट्यूबवेल लगे हैं जहां पे 50 घर हैं, तो वाटर टेबल के ऊपर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा? यस भावेश, दिस इज द आंसर यू नीड टू थिंक एंड देन गिव. ओके. यस भावेश, आंसर इट. मैम, द इफेक्ट ऑन द वाटर टेबल डिपेंड्स ऑन द replenishment of the underground water. Only 5 families will share a tube well, the water used for daily domestic purposes.
will not affect the water table. But if there is a shortage of rains, the water used by family will not replenished. Will not get replenished. Yeah, you can will fall down. Water will not get recharged. So it is open-ended answer. It is open-ended. And water table will fall down. Hanji? And water table will fall down. Fall down. Hanji, beta, undoubtedly, usne kaha hai ke 50 houses mein 10 ट्यूबवेल्स हैं. इट मीन्स एक ट्यूबवेल इज प्रोवाइडिंग वाटर टू 5 हाउसेस, राइट? सो वो कितनी देर चलता है, कितनी देर पानी आता है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स रिचार्जिंग कैपेसिटी या रिप्लेनिशमेंट. कितना हम उसको रिप्लेनिश कर पाते हैं. इफ वी विल कॉन्टिन्यूसली यूज द वाटर एंड देयर विल बी नो रिप्लेनिशमेंट और अनवाइज यूज ऑफ वाटर इज देयर, देन in few years the water table will go down, it will lower down. But if there will be rain or continuous replenishment is there, or you can say judicious use of water is there, it will not be finished. Groundwater will remain there, or you can say water table will be okay, it will not go down. Right? Any doubt up to this? Chaliye. I think few seconds are left. Till then, one more question we can cover. You have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? Think about this answer and other answers also. Tomorrow we will finish this chapter. Any doubt up to this now? If not, I'll end the class. If there is any doubt, only then raise your hand. Otherwise, I'll be ending the class. Hurry up. Okay, students, we'll be meeting tomorrow.